हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि टीपीयू क्या होता है। टीपीयू जो कि सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है मोटर के ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए। तो टीपीयू बेसिकली हमारा थर्मिस्टर प्रोटेक्शन यूनिट होता है जो कि थर्मिस्टर के बेसिस पर काम करता है, जो थर्मिस्टर मोटर की वाइंडिंग में लगा हुआ होता है। आइए पहले हम समझते हैं कि थर्मिस्टर क्या होता है। तो थर्मिस्टर एक टाइप का रजिस्टर होता है जिसका रजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और बेसिकली हमारे दो टाइप के थर्मिस्टर होते हैं। एक होता है NTC जो कि है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और दूसरा हमारा PTC जिसमें हमारा जो कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जिसमें हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो आइए देखते हैं TPU कैसा होता है और कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये है TPU का ड्राइंग जो कि 220 वोल्ट का TPU है, जिसकी इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट है और ये चार चैनल का TPU है। यह TPU जैसे कि मैंने दिखा रखा है कि मोटर की जो वाइंडिंग में जो थर्मिस्टर लगा हुआ है उसके कनेक्शन सीधे TPU में जाते हैं। TPU में एक पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, और दूसरा जो हमारे थर्मिस्टर का जो वायर होता है वो जाता है हमारे चैनल पे। तो ये T1 T2 T3 T4 चार चैनल का TPU है जिसमें हम चार मोटर के प्रोटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एक ही मोटर को प्रोटेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो बाकी जितने भी चैनल हमारे खाली है उसमें हमको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देना पड़ेगा ताकि हमारा TPU ऑन हो सके। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं TPU फिजिकली कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, ये है हमारा TPU। इसमें जो हमारा 7 वाला टर्मिनल है वो है कॉमन, और T1 T2 T3 T4 ये हमारे चार चैनल हैं। इसमें एक रिसेट का बटन है, अगर मोटर टेम्परेचर की वजह से ट्रिप हो जाती है तो हम रीसेट बटन को दबा के उसको रीसेट कर सकते हैं। और ये हमारा टेस्ट बटन है जिसमें हम टेस्ट बटन दबा के चेक कर सकते हैं कि हमारा सारे चैनल वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ये हमारा 220 वोल्ट का TPU है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो आप अगर 220 वोल्ट की सप्लाई से देते हैं तो एक तो आप उसकी सप्लाई में फेस में एक 1K का रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा वोल्टेज हम डिक्रीज़ करके इसे दें। और एक हमारा है दूसरा TPU जो कि 24 वोल्ट DC पे काम करता है। दोनों का वर्किंग सेम है, पर ये 24 वोल्ट DC पे वर्क करता है और ये हमारा 220 वोल्ट AC पे वर्क करता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। अगर हमारी मोटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वो एज अ फ्यूज काम करेगा और वो ओपन हो जाएगा, जिससे हमारा TPU एक्चुएट हो जाएगा और वो मोटर को बंद कर देगा और बर्न आउट होने से बचा लेगा। तो जनरली हम PTC यूज़ करते हैं मोटर्स में, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो TPU लगाने का जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि मोटर की जो कोयल है उसको जलने से बचाया जा सके विथ यूज़ ऑफ थर्मिस्टर। अगर हमारी मोटर में थर्मिस्टर है तभी हमारा TPU काम करेगा। तो आइए फ्रेंड्स चल के इसे देखते हैं, एक बार मशीन पे भी लगा हुआ देख लेते हैं कि TPU एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अगर कोई भी मोटर अगर ओवर टेम्परेचर की वजह से बंद होती है तो जो हमारा F1, F2, F3, F4 जो हमारे LEDs दिख रही हैं उसमें से जौन सी मोटर बंद होगी उसकी LED ग्लो कर जाएगी। चलिए फ्रेंड्स इसे हम मशीन पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा TPU है जो कि अभी मशीन पे लगा हुआ है। अभी सब कुछ ओके है तो यहाँ पे ऑन इंडिकेशन आ रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब TPU हमारा ऑन है। तो आइए देखते हैं जब मोटर ट्रिप होती है तो किस तरह से LEDs ग्लो होती है। ये हमारा मशीन का डिस्प्ले है जो कि अभी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल चल रहा है। अभी इस पर क्या मैसेज डिस्प्ले करता है जब TPU ट्रिप होता है। तो फ्रेंड्स अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अभी कोई भी मोटर का टेम्परेचर राइज नहीं है। तो हम टेस्ट बटन दबाएंगे जिससे अभी सारी LED जितनी भी चैनल की LED है सभी ऑन हो जाएंगी और मोटर ट्रिप हो जाएगी। तो आइए हम एक बार आपको ट्रिप करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी LEDs ग्लो हो गई, इसका मतलब है कि TPU हमारा ट्रिप हो गया है। अभी डिस्प्ले पे देखते हैं क्या मैसेज शो कर रहा है। देखिए फ्रेंड, TPU ट्रिप होने के
के बाद में वन ऑफ द मोटर ओवरलोड का प्रॉब्लम आ रहा है।